तीसी को साफ कर लिए हैं, एक घाट वाला है, थोड़ा सा ज्यादा है, इसमें कचरा रहता है, आप मार्केट से लीजिएगा तो वो बहुत क्लीन रहता है, फिर भी उसको अच्छे से साफ कर इस तरह से तेज आंच में ही इसको भूनना है। ये आवाज़ करेगा पटपट का आवाज़ करने लगता है, जब ये पटपट का आवाज़ करने लगेगा तो इसको आप गैस को थोड़ा सा कम कर सकती हैं, नहीं तो ये चलाते ही रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सारे इसी तरह से आवाज़ कर कर सब फूट जाएंगे और ये पक जाएंगे। पकने के बाद ये ठंडा हो जाने पर गर्म में इसको मिक्सी के जार में मत पीसिए, आप मिक्सी नहीं है तो आप सिल्वर पर भी पीस सकते हैं इसको। देखिए कितना आवाज कर रहा है, सारे के सारे मेरे पटपट कर रहे हैं ना, देखिए किस तरह से बोल रहे हैं। ये फूटता नहीं है, सिर्फ आवाज करता है, इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो नीचे धर लेगा। इसी तरह से चलाते हुए हरे को उला लेना है, भूज लेना है। अगर आपको समझ में नहीं आया कि ये भुजाया है कि नहीं, ऐसे तो पटपट करना आवाज ये बंद कर देगा, सारे भुजा जाएंगे। तो सोलो आज पर इसी चलाते ही रहना, छोड़ना नहीं है, नहीं तो आप थोड़ा सा इसको हाथ से इस तरह से करके देखिएगा, और नहीं तो थोड़ा सा एक दाना आप मुंह में डालिएगा तो एक सुंधापन आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप इसको एक दो दाना को मुंह में डालकर जांच कर सकती हैं, नहीं तो ऐसे चटकना ये बंद हो जाता है और हो जाता है। इसको आराम से चलाइएगा, ऐसे में चलाते समय थोड़ा सा बड़े कोई भी चीज डंडे वाला से चलाइएगा, नहीं तो जलने का डर रहता है। देखिए मेरा थोड़ा सा लग गया, लग जाने पर ये एलुमिनियम है बहुत ज़्यादा जल जाता है, और इसको चलाना बहुत ज़रूरी है, चलाते ही रहना है और फुल आंच में ही इसको भूनना है। इसमें चीनी डालकर कभी नहीं बनाइएगा, चीनी नहीं पसंद है, मीठा तो चीनी डाल सकती है, लेकिन मीठा वाला ये बहुत सुंदर लगता है। इसी तरह से इसको भूंज लेना है। अब देखिए ये मेरा ये हो गया है, देखिए मेरा तीसी भुंजा गया है। अब इसको ठंडा होने का इंतजार करते हैं, और उसके बाद फिर इसको हम थोड़ा सा प्लेट या कुछ से उछलाकर साफ कर लेंगे, और थोड़ा सा इसको देखिए कुछ है तो नहीं, नहीं तो थोड़ा सा भी एक भी कण रह जाता है कंकड़ पत्थर को तो ये सारा रेसिपी खराब कर देता है, किन किन लगने लगता है, मुंह तक जाकर ये फंसेगा दांत के पास, इसलिए इसको क्लीन करना बहुत जरूरी है। मुंह में डालिएगा ना एकदम सूंधा लगेगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, फायदा भी बहुत करता है। चलिए इसको ठंडा होने का इंतजार करते हैं।